क्लास सिक्स के सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और टुडे इज स्टार्टेड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फाइव, जैसे मैंने यहाँ चैप्टर फाइव में आज हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले तो हम सेपरेशन की बात करेंगे। सेपरेशन है, सेपरेशन what means of separation and substance, अब हम बात करें यहाँ पे साइंस में सेपरेशन यानी कि अलग करना। यहाँ पे हम इसकी बात क्या करेंगे, अलग अलग करना। सब्सटेंस माने यहाँ पे हम पदार्थ की बात करें, पदार्थ या तत्व की बात करें, या यौगिक भी हो सकता है। यानी यौगिक से या पदार्थ से या तत्व से किसी सब्सटेंस को अलग करना मीन्स, इट मीन्स हम जैसे फॉर एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंस वी हैव नोटिस ऑफ सब्सटेंस बीइंग ऑफ सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर। मैं आप लोग समझ पाए होंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब, यहां पर समझ गए होंगे। यहां पर मैं लेता हूं मिक्सर, वी टुक द स्मॉल ऑफ मिक्सर लाइक दैट टी। मैं छोटे से मिक्सर की बात करूं, टी विच कंपोनेंट्स आर मिक्स ऑफ टी। एक चाय बनाने में विच टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स इस पर मिले होंगे, लाइक दैट सुगर एंड टी लीव्स एंड वाटर एंड मिल्क एंड एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें इस पे मिक्स हुई होंगी टी को बनाने में। हमने टी को बनाने में मिल्क लिया होगा, वाटर लिया होगा, टी लीव लिया होगा, शुगर लिया होगा, और टेस्ट के अनुसार चाय हम टेस्ट के अनुसार अगर हम बात करें उसकी, तो कुछ लोग लहसुन भी अदरक भी डालते होंगे, और कुछ लोग काली मिर्च, और बहुत सारी चीज़ें स्वाद के अनुसार हम डालते हैं। तो इट्स कॉल्ड ए मिक्सर। इट्स मिक्सर्स ऑफ डिफाइंड शुगर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हम उस पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो एक मिक्सर से एंड अदर सब्सटेंस आर, हम कहें अदर सब्सटेंस एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम सब्सटेंस। हम इस मिक्सर से सेपरेशन करें, सब्सटेंस से इस ऑफ सब्सटेंस से हम सेपरेट करें, तो इसे ही हम आज जानने वाले हैं। बहुत सारे किस किस प्रकार के सेपरेशन हैं हम उन्हें सीखेंगे। मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया कि टी लीव का यानी टी, एक छोटा सा एग्जांपल बताया, चाय की बात हो गई। ऐसे ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स बाय द हार्वेस्टिंग। हम सभी लोग किसान हैं, अधिकतर लोग किसानी करते होंगे। आपने देखा होगा कि अगर हम हार्वेस्टिंग खेती करते हैं तो अभी हाल ही में जो धान है उसकी कटाई हुई है, तो हम किस तरीके से उसे सेपरेट करते हैं, अपने खाने के लायक धान को अलग कैसे करते हैं। बहुत सारा होता है अभी एक गट्ठर के रूप में धान इकट्ठा होता है, उसे किस तरीके से सेपरेट करते हैं, तो बहुत सारे मेथड होते हैं। इसी प्रकार से वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क, हम मिल्क से वाटर को कैसे सेपरेट करते हैं। सेम ऑफ सपोज यू आर गिवन ऑफ द बास्केट
एंड कंटेनिंग मैंगोस एंड गुआवास एंड आस्क ऑफ सेपरेटेड देन व्हाट डू यू डू। अगर आपसे इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ एक बास्केट ले लें, कोई बास्केट ले और उस बास्केट में मैं गुआवास एंड मैंगोस के कुछ फ्रूट्स रख दूँ, तो आप देखोगे कि उनको अगर आपसे कहूँ व्हाट डू डू द सेपरेट, तो ऑफकोर्स यू आर सेपरेट फ्रॉम द बास्केट, उस गुआवास और मैंगोस को आसानी से आप सेपरेट करेंगे। तो चाय आज केवल सेपरेशन फ्रॉम सब्सटेंस का केवल इंट्रोड्यूस था, और नेक्स्ट पार्ट पे हम इसके एक्टिविटीज़ विच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आने वाली हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। सो थैंक यू।